एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न टू स्माइल। तो आज फिर से आ गई हूँ मैं आपके सामने एक नया स्किन केयर वीडियो लेकर, जो कि है अबाउट फेस वॉश। देखिए गाइस, फेस वॉश हम सभी लोग यूज करते हैं, हम अपने फेस को वॉश भी करते हैं। फेस वॉश का मतलब ये होता है कि अपनी स्किन को क्लीन करना, एम आई राइट? तो कैसे करते हैं आप सब लोग फेस वॉश? देखिए, कुछ लोग साबुन यूज करते होंगे, खैर साबुन यूज करने वाले तो आजकल बहुत ही कम हो गए होंगे। मोस्टली लोग फेस वॉशेज यूज करते हैं, मैं भी कभी कभी फेस वॉशेज यूज करती हूँ। बट फेस वॉशेज आपको डिजायर्ड रिजल्ट देते हैं? ऑनेस्टली बताइएगा, आंसर मालूम है, मोस्ट ऑफ द पीपल बोलेंगे नहीं देते। ओके, तो गाइज कभी तो मार्केट वाले फेस वॉश को स्किप करके कुछ नेचुरल चीजों का यूज कर लिया करो यार, जो आपके घर में प्रेजेंट है। मार्केट में जाके पैसे वेस्ट करने से बेटर आप घर की नेचुरल चीजों से अपना फेस वॉश कीजिए। ओके, हाँ मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मार्केट के फेस वॉशेज मत यूज कीजिए, आप वो भी परचेज कीजिए, ऑब्वियसली ट्राई कीजिए, जो आपको करना है, जो खरीदना है खरीदिए, बट कोशिश कीजिए कि कम यूज कीजिए। जैसे अगर आप दिन में दो बार अपना फेस वॉश कर रहे हैं, तो एक बार नेचुरली आप अपने फेस को वॉश कीजिए एंड एक बार आप फेस वॉश यूज कर सकते हैं। ओके, सो गाइज आज इसी तरह का एक नेचुरल फेस वॉश मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जो नेचुरली आपकी स्किन को क्लीन करेगा। क्लीन ही नहीं करेगा, आपकी स्किन की डेड सेल्स को भी रिमूव करेगा, आपके पोर्स को अंदर तक से क्लीन करेगा। एंड ट्रस्ट मी, ये बनाना बहुत आसान है, सारे इंग्रेडिएंट्स आपके घर में हैं, सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत ही ज्यादा नेचुरल हैं, एंड आई नो आप ये सारे इंग्रेडिएंट्स के बारे में जानते होंगे। ओके, देखिए जब हम मार्केट से फेस वॉश खरीदने जाते हैं ना, तो सबसे बड़ी कंफ्यूजन तो ये होती है कि हम कौन सा फेस वॉश यूज करें, कौन सा हमारे लिए करेक्ट है। तो हमारा काफी सारा टाइम तो इसी चक्कर में निकल जाता है कि हम ये वाला लें या ये वाला लें, ऑयली स्किन है हमारी इसके लिए कौन सा लें, कॉम्बिनेशन है नॉर्मल है उसके लिए कौन सा लें, ये हमारी स्किन को सूट करेगा भी या नहीं करेगा, या फिर जिस पर्पस के लिए हम ये फेस वॉश ले रहे हैं वो पर्पस इससे सॉल्व होगा या नहीं होगा। एंड ये तो एक्सपेंसिव भी है, तो पता नहीं हम इसे हर बार अफोर्ड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो हमारे माइंड में ये सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। बट ये सब चीजों में अपना टाइम वेस्ट करने से बेटर है गाइज आप नेचुरल चीजों को अपनाइए, उनसे अपना फेस क्लीन कीजिए। बट हाँ, जब आप कभी जल्दी में हो, आपके पास टाइम नहीं है, आप बाहर से आए हो पूरे दिन काम करके, रात को थके हुए हो, एंड आई नो कि उस टाइम आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं होगा कि आप कुछ नेचुरल चीजों से बनाएं और लगाएं, तो उस टाइम आप फटाफट से फेस वॉश से अपना फेस वॉश कर लीजिए। ओके, दैट इज अ डिफरेंट केस। तो मेरा इंटेंशन यहाँ पर सिर्फ इतना है कि आप मार्केट वाली चीजों को छोड़कर नेचुरल चीजें अपनाइए एंड उनसे अपना फेस वॉश कीजिए। ओके, सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले चलते हैं वीडियो में, बताती हूँ मैं आपको ये फेस वॉश बनाना कैसे है। ओके, इस फेस वॉश का सबसे मेन एंड की इंग्रेडिएंट है ग्रीन टी। ग्रीन टी गाइस सबके घरों में होता है एंड आई नो सब लोग पीते होंगे, क्योंकि आजकल मोस्टली लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं एंड ग्रीन टी के बेनिफिट्स मैं क्या ही बताऊं आपको। स्किन के लिए तो इसके बेनिफिट्स ही हैं, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए ग्रीन टी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर एक ग्रीन टी बैग ले रही हूँ एंड इसमें मैं थोड़ा सा गर्म पानी डालकर इसको एक्टिवेट होने के लिए रख दूंगी, जब तक कि ग्रीन टी बैग की सारी पावर इस पानी में ना आ जाए। ओके, 5 से 10 मिनट तक के लिए मैं इसको साइड में रख दूंगी। अब चलेंगे हम नेक्स्ट इंग्रेडिएंट पर। नेक्स्ट है हमारा बेसन। हम एक बोल लेंगे एंड उसमें हम ऐड करेंगे 1 से 1.5 चम्मच बेसन। बेसन गाइस इसके बेनिफिट्स कितने हैं आई नो कि आप सब जानते होंगे, आपके घरों में इजीली अवेलेबल रहता है। तो गाइस खाने के साथ साथ इसको अपने फेस वॉश करने के लिए भी यूज कीजिए ना। एंड बेसन के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे कॉफी, करीब 1/2 चम्मच इसमें हम कॉफी ऐड करेंगे। कॉफी में गाइस बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जैसे फिनॉल, ये आपकी स्किन में फ्री रेडिकल से फाइट करते हैं एंड आपकी स्किन को किसी भी तरह का डैमेज होने से बचाते हैं। कॉफी में गाइस बहुत सारी एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपकी अनइवन टोन को इवन करते हैं, आपकी स्किन को क्लियर बनाते हैं, आपकी रंगत निखारता है। कॉफी के बाद अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे थोड़ी सी टर्मरिक। जी हाँ, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ा सा ऐड करेंगे, 1 या 2 पिंच बस। ओके, अब हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन टी वाटर। ये देखिए, जो हमने पहले सेपरेट रख दिया था ना, एक बोल में हमने ग्रीन टी बैग एंड हॉट वाटर डाल के रख दिया था, और अब ये देखिए ग्रीन टी का हमारा सारा एक्सट्रैक्ट इस पानी में आ गया है और अब हमें एक कॉन्सेंट्रेटेड ग्रीन टी वाटर मिल गया है। अब इसकी 1 से 2 चम्मच हम अपने फेस पैक में ऐड करेंगे
एक दो या तीन जितने भी आपको रिक्वायर्ड है उतना ऐड कीजिए एंड अब इन सबको मिक्स कीजिए। एंड फाइनली अब हम इसमें ऐड करेंगे हनी गाइस, थोड़ा सा इसमें हम हनी ऐड करेंगे। हनी गाइस आपकी स्किन को मॉइस्चराइज बनाए रखता है, आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है, आपकी स्किन में प्रीमेच्योर साइंस ऑफ एजिंग को कंट्रोल करता है, आपके पोर्स को अंदर तक से क्लीन करता है। तो अब इन सारी चीजों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, मिक्स कर लेना है, ओके। एंड देखिए ये हमारा रेडी हो गया है यहाँ पर एक जबरदस्त फेस पैक, आप इसको फेस पैक भी बोल सकते हैं एंड फेस वॉश भी बोल सकते हैं, बेसिकली ये 2-in-1 है, ओके। तो ये देखिए ये है वो हमारा नेचुरल DIY फेस वॉश जो आप बहुत ही आसानी से अपने घर में बना सकते हैं। एंड इसके बेनिफिट्स गाइज अमेजिंग है, अमेजिंग है। बस आपको क्या करना है, इसको लेना है अपने फेस पे अप्लाई करना है, हर रोज मॉर्निंग में सुबह उठने के बाद इसको आप अपने फेस पर अप्लाई कीजिए अपने मार्केट वाले फेस वॉश को छोड़कर, ओके। एंड देन आपको इसको अपने फेस पर रब करना है, धीरे धीरे सर्कुलर मोशन में इसको रब करना है, रब करना है। इसकी गुडनेस आपकी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाती है गाइज, ये जो इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें यूज किए हैं ना इनके बेनिफिट्स आपकी स्किन में पेनिट्रेट होते हैं, आपकी स्किन को क्लियर बनाते हैं, आपकी जो पोर्स में अंदर गंदगी छिपी होती है ना उन सबको क्लीन करता है ये फेस वॉश, उनको पुल आउट कर लेता है एंड आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा फ्रेश बनाता है। इसमें जो खास इंग्रेडिएंट्स हमने यूज किए हैं ना जैसे ग्रीन टी के अंदर बहुत सारी पोटेंट एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं गाइस, जो आपकी स्किन में प्रीमेच्योर साइंस ऑफ एजिंग को कंट्रोल करती हैं। फिर चाहे आप इसको अपने फेस पर टॉपिकली अप्लाई करें या फिर आप डेली ग्रीन टी पिए, एंड साथ साथ ग्रीन टी में बहुत सारी एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं बिकॉज ऑफ द पॉलीफिनोल्स लाइक कैटेचिन्स। कैटेचिन्स आपकी स्किन में किसी भी तरह का रेडनेस इरिटेशन एंड स्वेलिंग को कम करता है। एंड जब हम इसमें बेसन ऐड करते हैं ना गाइस तो इसके बेनिफिट्स बढ़ जाते हैं, बेसन ऐड करने से ये स्क्रब की तरह काम करता है और आपकी स्किन की सारी डेड सेल्स को रिमूव करता है। बेसन आपकी स्किन के सारे एक्सेसिव ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेता है, आपकी स्किन को ऑयल फ्री बनाता है, आपकी स्किन को क्लियर बनाता है एंड आपकी स्किन के पीएच लेवल को भी बैलेंस रखता है। एंड क्योंकि ऑयल को कंट्रोल करता है इसके साथ साथ एक्सेसिव सीबम के प्रोडक्शन को भी कंट्रोल करता है जिसकी वजह से आपकी स्किन में एक्ने पिंपल्स होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। एंड इसके साथ साथ मेन इंपॉर्टेंट चीज आपकी स्किन की टैनिंग भी खत्म करता है जो कि सन की यूवी रेज से आपको होती है ना, जैसे कभी कभी आपकी स्किन में सनबर्न हो जाता है, आपकी स्किन डैमेज हो जाती है, डेली बाहर जाने पर आपकी स्किन में ब्लैकनेस आ जाती है, तो वो टैनिंग भी इससे कंट्रोल होती है। डेली यूज करने से आपकी टैनिंग खत्म ही हो जाती है। एंड इसके साथ साथ जब हम इसमें कॉफी ऐड करते हैं ना गाइस तो इसके बेनिफिट्स जो है वो और ज्यादा डबल ट्रिपल हो जाते हैं, क्योंकि कॉफी आपकी स्किन में सेलुलाइट को कम करता है, आपकी स्किन के नीचे जो ब्लड वेसल्स है ना उनको डायलेट करता है जिसकी वजह से आपकी स्किन में ब्लड सर्कुलेशन जो इम्प्रूव होता है एंड सेलुलाइट का अपीयरेंस भी कम होता है। मतलब आपका फेस अगर पफी दिख रहा है ना, स्वेलिंग है किसी भी तरह की, वो कम होती है, आपका फेस ज्यादा स्लिम दिखता है, आपकी आईज के नीचे वाले एरिया में ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है जिसकी वजह से वहां पे ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है एंड आपकी डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम्स भी कम होती हैं। एंड साथ ही साथ इसमें जो टर्मरिक ऐड किया है वो आपकी स्किन का रंग निखारता है गाइस, आपकी अनइवन टोन को इवन करता है, आपकी स्किन में किसी भी तरह के एक्ने पिंपल्स हैं उनको कंट्रोल करता है, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं इसके अंदर, आपकी स्किन को हील करता है, आपकी रंगत निखारता है, आपकी स्किन में कालापन है, आपकी स्किन अगर टैन हो गई है, आपकी स्किन में दाग धब्बे हैं उनको खत्म करता है। एंड फाइनली जो इसमें हनी ऐड किया है गाइस उसके तो जबरदस्त बेनिफिट्स होते हैं, आपकी स्किन जो है वो मॉइस्चराइज बनती है, आपकी स्किन हाइड्रेट रहती है लॉन्ग टाइम तक के लिए, क्योंकि हनी आपकी स्किन की डीपर लेयर्स में पेनिट्रेट करके उनको अंदर से हाइड्रेट करता है, तो लॉन्ग टर्म के लिए आपकी स्किन हाइड्रेट रहती है, आपकी स्किन रूखी सूखी नहीं रहती, आपकी स्किन के स्कार्स को दाग धब्बों को खत्म करता है, आपकी स्किन में अगर हाइपर पिगमेंटेशन है उसको भी खत्म करता है, इसके साथ साथ एक्ने एंड ब्रेकआउट से भी फाइट करता है। तो ये मैजिकल जबरदस्त फेस वॉश विद फेस पैक जबरदस्त है आपकी स्किन के लिए, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं,
हो गया ना ऑल इन वन, मतलब एक ही चीज से आपको इतने सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, आपकी रंगत निखर रही है, आपकी डेड स्किन खत्म हो रही है, आपको एंटी एजिंग बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं, आपकी स्किन हाइड्रेट भी बन रही है। कितनी सारी प्रॉब्लम्स ये एक फेस वॉश अकेला सॉल्व कर रहा है। बस कंडीशन ये है कि आपको इसको डेली बेसिस पर यूज करना है विदाउट एनी सेकेंड थॉट। आपको कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ इसको इसको यूज कीजिए। आपकी स्किन क्लीन होने के साथ साथ आपकी स्किन में चमक भी बढ़ेगी, आपकी स्किन को बेनिफिट्स ही मिलेंगे। तो इसको अपने फेस पर 2 से 3 मिनट तक रब करने के बाद, आप चाहे तो 2-3 मिनट छोड़ भी सकते हैं इसको, या फिर अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको तुरंत वॉश कर लीजिए। गाइज मैं बता रही हूँ, एक बार, सिर्फ एक बार यूज करने से ही है ना आपकी स्किन इतनी ब्राइटन अप दिखेगी, इतनी क्लीन दिखेगी, आप पहली बार में ही ना फैन हो जाओगे इस फेस वॉश के। एंड देन मैं बता रही हूँ, आपकी सोच ही बदल जाएगी। आप मार्केट वाले फेस वॉश पे ज्यादा ध्यान ही नहीं दोगे, आप इसे ही बनाओगे एंड इसे ही यूज करोगे, क्योंकि एक ही चीज से आपको बहुत सारे बेनिफिट मिल रहे हैं। ओके, ये एक सिंगल फेस वॉश आपकी स्किन की सारी प्रॉब्लम्स, ऑलमोस्ट सारी प्रॉब्लम्स को खत्म कर रहा है। ओके, आपकी स्किन को हाइड्रेट बना रहा है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज बना रहा है, आपकी स्किन में एजिंग साइंस अगर होने लगे हैं तो उनको कंट्रोल कर रहा है, आपकी स्किन के दाग धब्बे खत्म कर रहा है, आपकी अनइवन टोन को इवन बना रहा है, एंड इम्पॉर्टेंट, आपकी स्किन के सेलुलाइट वो भी कम कर रहा है, पफिनेस को भी कम कर रहा है, डार्क सर्कल्स को भी कंट्रोल कर रहा है। तो और क्या चाहिए भाई, एक छोटी सी चीज, सिंपल सा फेस वॉश जो घर की चीजों से बना है, कोई ज्यादा पैसे भी नहीं खर्च किए, इतने सारे बेनिफिट्स दे रहा है आपको, तो फिर तो एक लाइक तो बनता है मेरे वीडियो के लिए, क्यों? सो गाइज, ये था मेरा आज का स्किन केयर वीडियो, DIY नेचुरल फेस वॉश। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए एंड मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। ऐसे बहुत सारे वीडियोस मेरे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। एंड नए वीडियोस के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बी स्माइल, बिकॉज स्माइल इज अ फ्री थेरेपी। ओके, सो बाय बाय।